पैसिफिक यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है, उसमें एक हम 3 साल की डिग्री कोर्स चला रहे हैं जिसको कि हम BSc HM कहते हैं, BSc इन होटल मैनेजमेंट। ये UG कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और ये 3 साल का है। इसकी जो इसकी एलिजिबिलिटी, जो कैंडिडेट की काबिलियत होनी चाहिए, वो कम से कम 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। द कैंडिडेट मे बी फ्रॉम आर्ट्स कॉमर्स और ही मे बी फ्रॉम साइंस ऑल्सो, ऑल दीज 3 स्ट्रीम्स स्टूडेंट कैन गेट एन एंट्रेंस फॉर कंप्लीटिंग दिस डिग्री। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 साल का डिग्री कोर्स है और ये बैचलर डिग्री कहलाती है। इसको हम BSc इन होटल मैनेजमेंट इसलिए बोलते हैं कि इसमें फूड साइंस का पार्ट होता है, फूड न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं वो इसमें है, वो साइंस का ही पार्ट है, इसलिए हम इसको BSc इन होटल मैनेजमेंट कहते हैं। और इसमें जो हर वर्ष वाइज, जो ईयर वाइज सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, वो मैं बताता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं BSc प्रथम वर्ष की बात करूँगा। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो फूड प्रोडक्शन है, उसके बाद में फूड एंड बेवरेज सर्विस ऑपरेशन है, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट है, अकोमोडेशन ऑपरेशन मैनेजमेंट है, इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, बेसिक होटल अकाउंट्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स है, होटल सेफ्टी एंड हाइजीन। ये प्रथम वर्ष के सब्जेक्ट्स हैं। लेट मी टेल यू अबाउट द सब्जेक्ट्स विच आर बीइंग टॉट इन BSc सेकेंड ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल फूड प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेज सर्विस ऑपरेशन, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, अकोमोडेशन ऑपरेशन मैनेजमेंट, होटल फ्रेंच, होटल लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, PDCS यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, फैसिलिटी प्लानिंग। BSc इन होटल मैनेजमेंट फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं उनमें से हैं फूड प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेज सर्विस ऑपरेशन, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, अकोमोडेशन ऑपरेशन मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बेसिक होटल अकाउंट्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, होटल सेफ्टी हाइजीन। और ये जैसे ही BSc थर्ड ईयर का 3 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं, वैसे ही हमारी प्रक्रियाएं बच्चों के प्लेसमेंट की शुरू हो जाती हैं। और हमारी 100% कोशिश यही होती है कि एग्जामिनेशन से पहले, जैसे ही बच्चा हमारा थर्ड ईयर यानी फाइनल ईयर में वो इंटर्नशिप के लिए जाता है, तो मैक्सिमम बच्चों का इंटर्नशिप के दौरान ही रोजगार उसी कंपनी में मिल जाता है। और जो कुछ भी अगर बच भी जाते हैं तो हम इस एग्जामिनेशन से पहले पहले, एनुअल एग्जाम, थर्ड ईयर की एनुअल एग्जाम होने से पहले पहले बच्चे का प्लेसमेंट 100% तरीके से हम कर देते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा BSc कोर्स का जो है समापन होता है। सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू हैव प्रिपेयर्ड, ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयर्ड, व्हिच इंडस्ट्री हैव यू जॉइंड? Okay, hospitality and tourism. What is the golden word in this hospitality and tourism? Who is your client? Guest. So he is your client and he is your customer. And how do you treat your customer? Politely. What else will you add? When you go to a hotel, what do you think? Why do you go? Have you ever traveled? How many of you have traveled abroad or ever in from one city to different city, gone to a resort? Okay, why do you go to a resort? Okay, abroad. Why did you go abroad? For tourism, for travel, for leisure, to have a nice weekend, to enjoy holiday. And when we go to hotel, do we like somebody holding our bags?
Yes, you don't like that? Somebody offering you a nice drink? How about if somebody is offering you, sir, yellow drink? And how about somebody offers, sir, here's your drink? So how do you feel? When will you feel better? Second one. You feel privileged, isn't it? Or don't you? You do. So, ye feature kaun add karega? You people? And how are you going to do it? With enhancing your personality. Right? With enhancement of your personality. So what are the three things? Let's see, what do we need to get into a better personality, to become a good person, and to become a very polite and pacified person? What three things? You have to be energetic. Yes, ma'am. So you need to have the hunger within you. Yes. So we say fire in belly. Yes, ma'am. Yeah. So we say fire in belly, warmth in heart, and sharpness, spark in mind. मालूम पड़ा कस्टमर ने कुछ ऑर्डर किया है, अरे ये तो है नहीं सर, नहीं है, नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड सर, इंस्टेड आप इसके जगह ये ले लीजिए, इजंट इट? सो व्हाट आर द थ्री थिंग्स एज अ पर्सनालिटी वी नीड इन आवरसेल्व्स? फायर इन बेली, वार्म इन हार्ट, स्पार्क इन माइंड. वो वार्मथ इन हार्ट क्यों चाहिए हमें? व्हाई डू वी नीड दैट वार्मथ इन हार्ट? एम्पथाइज. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपथी एंड एम्पथी? What do you mean, sympathy and empathy? We have discussed this. What do you mean by sympathy and empathy? Sympathy, sahanubhuti. Empathy, jab aap apne aap ko kisi ke jagah rakh ke dekhte ho. When you put yourself in someone else's shoes. If your guest is in pain, you have to feel that pain. Oh, you're not keeping well, sir? Shall I arrange for a doctor? Are bimar hai, chhodo na hoga. Kya hum ye soch sakte? No, you cannot. So for today, what is the prime thing that we have to learn? To become, to grow, to get into this industry, to be absorbed into this industry. What do we need? As a person, hume apne andar sabse pehla change kya leke aana hai? Apni approach, apna attitude. Ki hum yahan kaam kyun kar rahe hain? Is soch ko hume change karna hai, isn't it? Right. So what are the three things that we'll keep in ourselves? Let's repeat it once again. And spark in mind. With this, we give the best services and make the experience of our guest, our customer, the most pleasurable experience. Everybody will do it? Yes, ma'am. Everybody ready for the pain? Yes, ma'am. Everybody ready for the enjoyment? Yes, ma'am. For the pleasure? Yes, ma'am. And for this joyride of 3 years? Yes, ma'am. Yes. So, can we begin with the further modules now? Yes, ma'am. Anybody has any doubts by now? No. Right. अब एक बेसिक हम लोग बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग द एक्सपीरियंस वेरी इंजॉयबल, प्लेजरेबल. वी टॉक अबाउट बॉडी लैंग्वेज. नो व्हाट इज दिस बॉडी लैंग्वेज? कैन आई हैव टू कैंडिडेट्स जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि बॉडी लैंग्वेज क्या है? कोई दो कैंडिडेट्स आ जाए प्लीज. मान लीजिए ये हमारे गेस्ट हैं. मान लीजिए आज आप एक 5-स्टार प्रॉपर्टी में बैठे हैं. PIHM इज नॉट लेस देन अ 5-स्टार प्रॉपर्टी. नो सो एंड धीरज इज सर्विंग. Now when he works and comes, can he serve directly like this? इस हाथ से आपके ये standards है जो आप पढ़ते हैं already. What he has to say? ये लो सर order. This is your order sir. क्या ये भी बोल सकता है quick? No. Language वही है. हम कहने को कहते हैं कि हमने English ही बोली है. This is your order is English. हमने English कहाँ नहीं बोली. But what is proficiency? What is presentation in English? Sir, this is your order. Please enjoy your meal. इसी को अगर मैं इस तरीके से कहूँ, सर दिस इज योर ऑर्डर प्लीज एंजॉय योर मील, मैंने फिर से दोनों इंग्लिश के सेंटेंस बोले लेकिन मेरे चेहरे पे वो स्माइल ही नहीं है, मेरे हार्ट की वो वॉर्मथ नहीं है. सो दैट इज व्हाट वी कॉल अ पैकेज. ग्रूमिंग, लैंग्वेज, इंग्लिश तो बोली लेकिन सही तरीके से नहीं बोली. एंड देन द प्रेजेंटेशन. सो लेट्स जस्ट सी हाउ धीरज मेक्स हिज एक्सपीरियंस. यू धीरज राइट? सो ही मेक्स द एक्सपीरियंस वंडरफुल. सो यू जस्ट हैव टू से हिम, here's your order, sir. Please enjoy. Here's your order, sir. Please enjoy. Okay, now he's too much staring. He requires a little bit of more smiling. You know, you have to make him feel comfortable. You are happy. Aisa nahi hona chahiye, are yaar, ek aur guest. No. The idea is not this, one more guest. The idea is, oh, I am happy that I have one more guest. So the idea is different. So let's do it one more time. With smile. Good evening, sir. Here's your order.
Wonderful. Let's clap for him. So that's how the level of communication. Stage 1, stage 2, stage 3. Bolna, behtri se bolna, aur bahut behtar bolna. Bahut behtri tarike se bolna, right? Thank you, boys. Alright. So with this, we learn the difference between just speaking English, speaking language with proficiency, and speaking language with presentation. So that's the three different stages. Alright. Thank you, everybody. Hello everyone, my name is Karishma Mangiani and I'm from Kodna. I'm doing BSc HM second year. My father's name is Mr. Shobhraj Mangiani and he's a businessman. My mother's name is Mrs. Kiran Mangiani and she's a homemaker. And I'm doing BSc HM second year and this is the most wonderful experience I've learned in 1 year. I've learned a lot of things over here and the faculties over here are very good and they are quite experienced as well. And my father asked me to join this industry because there are a lot of opportunities for female in this industry. And according to me, every girl should join this and most of the people should join this because this is the industry which offers a lot of opportunities. Thank you. Hi, Udaipur. Myself, Manju Rathor, and I'm from Bikaner. My father's name is Mr. Pushpendra Singh and he's an agriculturalist. He asked me to do hotel management. As he also experienced this industry and I'm enjoying as I'm in first year. Within 6 months I've enjoyed a lot in this industry as I've experienced many things and faculties are quite experienced. The most is as we are taught to serve peoples in this industry as in this industry. Hi Udaipur, my name is Khushbu Chelani and I am from Ahmedabad. My father's name is Mr. Anil Chelani and he is a businessman. My mother's name is Suman Chelani and she is a homemaker. I came in this industry with my own aim. No one put me for or give some tips about this industry. And I am very honored to say that Pacific Institute of Hotel Management is very nice. And the faculty are mostly experienced in every department. So I'm very obliged to say that they all teach us very politely. And thanks a lot. Hi Udaipur, my name is Sakshi. My native place is Jammu. And I reside at Pacific Girls Hostel, Chitrakoot Nagar. And my father's name is Mr. Darshan Kumar Sharma. And I live in a nuclear family. My father is a banker and my mother is a homemaker. And I am pursuing BSc HM from Pacific Institute of Hotel Management. Our college can provide us so many facilities like dining facility, laboratory, library facility and hostel facility for female candidates. And I requested to the girls of JNK and Kupwada so they should take admission in Pacific Institute of Hotel Management so they can make their future bright. Thank you so much. Hello Udaipur, I am Swapnil Agarwal from Pacific Institute of Hotel Management. Beside choosing this hotel management, I investigate about hotel management. In this industry, I have learned many things and many things in these 4 months. And this is in hotel industry. To join this, this is my interest in hotel management. And I have learned lots of things from my teachers, from my mentors, from my well-wishers. And I have, after this hotel management 3 years, I can proceed from MBA. I will do MBA from this Pacific Institute only. Thank you. Good morning, sir. Good morning, students. Please be seated. Thank you, sir. Welcome. Our dear students, do you know why have I called you in my office today? No, sir. Okay, I have called you in my office to share very good news with you, which recently happened in this institute. As you know that this Pacific Institute is being run by Pacific University, right? Yes, sir. And the news which is very good for you all, let me tell you that from the batch of 2012 BSc HM third year, which passed out in 2012,
there were 130 students, and out of 130 students, 65 students have been selected for Dubai. Yes, sir. So I would say that this is a very big achievement of our Pacific Institute of Hotel Management. All right? Yes, sir. And a very surprising news I will share with you. I do not know you would be knowing that this or you would not be knowing this, but I will share with you that about 36 students recently have been selected for Malaysia, and they have been selected for paid internship, which is not possible for any of college in Udaipur. This is first chance which we have got for our students. They have been selected for paid internship. They have nothing to pay there, they will earn. Yes. Apart from that, if you see our placements, our students are being placed in only 5-star deluxe properties in Taj and Oberoi. Yes. And that is because of your sincerity, your hard work, and of course there is a very good contribution from our training and placement department. Yes. So, I shall wish you all the best, do well, and the name of Pacific Institute of Hotel Management, I should get maximum appreciation from the industry. Yes. I believe this, should I believe this? Yes, sir. Okay, thank you so much. Wish you all the best for your bright future. Thank you, sir. Hi viewers, इस समय हम Pacific Hotel Management Institute में हैं. इस होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कीर्तिमान हैं. आज उन कीर्तिमानों में से एक कीर्तिमान जो सन 2014 में होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा स्थापित किया गया है कि यहाँ के छात्र इंटर्नशिप के लिए मलेशिया जा रहे हैं. तो इस मुबारक मौके पर हम डायरेक्टर श्री विनोद कुमार सिंह साहब को बहुत बधाई प्रेषित करते हैं. हम बधाई प्रेषित करते हैं सारे उन स्टूडेंट्स को जो कि पैसिफिक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करने के लिए मलेशिया जा रहे हैं. आइए इन सभी छात्रों से गुफ्तगू करते हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज चंद्र बहादुर चंद. आई एम फ्रॉम नेपाल. आई एम हेयर परसुइंग फॉर BSc SM थर्ड ईयर. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स हॉटली टू माय कॉलेज पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट. एंड heartily thanks to our director sir, Mr. Vinod Kumar Bhaduria sir, and all of my teacher staff. They give us lots of support to us, and we get this opportunity to get an internship training to abroad. And I am very happy. I never thought this, that I am going for an internship training to abroad, and I am very happy for this opportunity. I am getting my dream, and I will give no any such types of activities to our abroad for my internship training, and I will give such appreciation by our training and placement teachers. Thank you, sir. Good morning. मेरा नाम भरत शर्मा है. मैं Pacific Institute of Hotel Management थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, और Pacific Institute of Hotel Management से मलेशिया ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन हुआ है. तो इससे हमारी फैमिली और कलीग्स में भी बहुत खुशी है कि मलेशिया के लिए सेलेक्ट हुए हैं, और कॉलेज और पूरी पैसिफिक यूनिवर्सिटी को हमारी तरफ से थैंक्स बोलते हैं. हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम विजय सिंह राव है. मैं BSc HM होटल मैनेजमेंट थर्ड ईयर का छात्र हूँ, और हम मलेशिया जा रहे हैं. इससे हमारे फैमिली वाले भी बहुत खुश हैं, और कॉलेज वाले टीचर और हमारे डायरेक्टर साहब अनंत कुमार भदुरिया सर, वो भी बहुत खुश हैं. और उनकी सपोर्ट और उनकी मेहनत के कारण हम पहली बार इतने सारे स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं मलेशिया, और वो बहुत खुशी की बात है. और हमारे फैमिली वाले और हमारे गाँव के सभी लोग बहुत खुश हैं कि हमारे लड़के बाहर जा रहे हैं, और हम सबको यही सबको यही हम समाचार देना चाहते हैं कि जो भी हैं वो उनको कि
वापिस हम आए, वो छोटे हमारे जो भी सीनियर हैं उनको हम ये बोलेंगे कि होटल मैनेजमेंट में अच्छी पढ़ाई चलती है और अच्छे सब पढ़ाई भी अच्छी चलती है, और उनको एडवाइस देंगे कि आप कोर्स करो और इसके स्कोप के बहुत बढ़िया है, चारों तरफ मतलब सब जगह स्कोप के बहुत चांसेस हैं। और मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि अच्छी स्टडी करें और अच्छी पढ़ाई करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम राजेश आमेटा है, मैं बीएससी थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। जब मुझे हमारे डायरेक्टर सर ने ये समाचार दिया कि हम ट्रेनिंग के लिए मलेशिया जा रहे हैं, तो ये मेरे बचपन का सपना था कि मैं बाहर जाके अच्छी मेहनत करूँ, अच्छा काम करूँ। ये इस पीसीपी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की तरफ से ही संभव हुआ है। तो मैं हमारे पूरी कॉलेज की टीम को, हमारे डायरेक्टर सर को, हमारे क्लास टीचर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दी। थैंक यू। हाय व्यूअर्स, हमारे साथ हैं पैसिफिक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्री विनोद कुमार सिंह साहब। विनोद कुमार सिंह साहब, जो ये छात्र मलेशिया जा रहे हैं, इन्हें आप क्या सीख देना चाहेंगे, किस तरह वो वहाँ परफॉर्म करें, वो वहाँ पर क्या करें क्या ना करें, इन इस बारे में कुछ टिप्स दीजिए इनको। सर, the industry where they are going to get an entry, that is known as hospitality industry. And I always really expect that my student, wherever they work, they should earn the name of our institute. And this expectation I can never lose, you know. And I will really wish them to work hard, be sincere, be honest, earn the name of their institute, and earn the name of their parents also. And I would again say congratulations to them. Wish you very all the best. And I would say to have a very bright future for this hospitality industry. Good morning. I'm Yashwant Singh Rawal, working with the Pacific University in Hotel Management Assistant Professor, and I look after front office department of the college. As we all know that the front office department is known as the face of the hotel. And in this department, we teach the students about the reservation procedure, check-in and check-out procedure, and how to handle the telephones. As we all know that we should, as per the hotel industry rules, we should attend the call within 3 rings, all right? Yes, sir. And while picking up the phone, we should see that we should always answer with a smile. And if possible, we should greet the guest by the name. And right now we are standing in the front office level. As you can see, this is the reception area of the front office department. I must tell you some importance of the front office department. The person who wants to join the front office department, he should have the good communication skills. He should have the fluency in the English communication. So in this department, we also major focus we give on the communication skills and the grooming of the student, because they have to directly interact with the guest. So while interacting with the guest, they should look very presentable. They should look smart. They should have a very, very good grooming. So that all things, apart from the basic standard and the rules of the front office department, we teach them the communication skills and how to groom their personality and how they can improve their personality. And while the dealing with the guest, they should be always polite with the guest, and they should deal with the guest very nicely. Some of our students who have passed out from our college and who took the expellation in front office department, they are working in the various hotels of the India, and some of them have placed in abroad also. Some of them are working in the Oberoi Uday Villas. Mr. Anshul Garg is working with the Taj Lake Palace, and some of them are working in the Dubai, the 5-star hotels of the Dubai. And if you talk about the front office department, there are various major subdivision of the department, like reception, then we have the concierge, then we have the travel desk, then we have the currency exchange counter, then we have the reservation desk. We feel proud and we are very lucky to have such a nice infrastructure and such a nice faculty members in our institute. We are having a very very good infrastructure, world class infrastructure in our college. We are having a very good kitchen labs. We are having the very good restaurants, bar, housekeeping practical labs. And I really want to thank our management, Mr. Rahul Agrawal, our secretary. He really have given us such a nice infrastructure and such a nice environment to work.
And because of that only, we are also doing our well, and we are giving our 100% to our student, and they are also getting the 100%, and they are, because of that only, they are doing good in the industry. शिक्षा जीवन बनाती है और चिकित्सा जीवन बचाती है. पैसिफिक यूनिवर्सिटी द्वारा शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में कदम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं. पैसिफिक विश्वविद्यालय के होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में इस समय हम हैं. हमारे साथ हैं पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के डायरेक्टर श्री विनोद कुमार सिंह भदौरिया साहब. भदौरिया साहब नमस्कार. भदौरिया साहब, पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के द्वारा कई शैक्षणिक सुविधाएं स्टूडेंट्स को नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर उपलब्ध कराई जा रही हैं. हम इन सभी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को जो कि होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स के लिए यहाँ कोर्सेज चलाए जा रहे हैं या मुहैया कराई जा रही है फैसिलिटीज़, उनके बारे में आपसे विस्तार से जानकारी चाहेंगे. सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पैसिफिक यूनिवर्सिटी द्वारा पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की स्थापना कब की गई और इसके पीछे क्या मंतव्य रहा, क्या उद्देश्य रहा. श्री विनोद कुमार सिंह भदौरिया साहब. धन्यवाद मानकारा सर. सर, आई विल इंट्रोड्यूस यू अबाउट द पैसिफिक यूनिवर्सिटी. सर, लेट मी से दैट द पैसिफिक group was started with only one MBA college. And if I talk about today we are running about or more than 30 colleges in Udaipur only. We have two universities, one is Pacific University and another is Pacific Medical University. I think there is no such course which we are not running in this university. So that is a short brief about this university. And if I talk about the Pacific Institute of Hotel Management, Pacific Institute of Hotel Management was established in 2008 June. And let me tell you that Pacific Institute of Hotel Management was started with the strength of only 24 students. And again, in 2009, we started second batch with only 26 students. And today I can say happily and proudly that about 600 students are studying in this institute. And what's the reason behind this? The reason is good teaching, excellent teaching and excellent placement. If I talk about the teaching style, we do not teach our students manually. We are teaching our students with the PPT presentation, with high-tech systems. And if I talk about the placement, let me tell you that 2 years back, our students were invited at Sri Amitabh Bachchan's house when he celebrated 70th birthday. I think this is a big achievement of this institute. Another achievement, our students were invited to serve at Sri Ammani's house, Antilia. Is it? Am I right? Okay, so these are the really great achievement, and apart from that, we have placed our many students in abroad where they are still working. They got permission to work only for 2 years, but they are still working. I think they have completed 3 years and three and a half years. And recently, I would describe about one more achievement, that is the student of BSc third year, where the entire strength is 130. Apart from them,
36 students have been selected for Malaysia as paid internship. And we are not placing our students less than 5-star properties. And those properties are Taj, Oberoi, Leela, Meridian, Marriott, etc. So these are the achievement of our student. The motto of our institute is to become number one in India and later on become number one in the world also. We are Samare Saath Pacific Institute of Hotel Management ke director Shri Vinod Kumar Singh Bhadauria sahab hain, jinhone Pacific Institute of Hotel Management ke bare mein vistar se jankari di. Bhadauria sahab, hum ye janna chahenge ki hotel management karne ke liye bahut sare chhatra jo ki 10 plus 2 pass out hain, wo hotel management karna chahte hain aur apna bhavish is stream mein banana chahte hain. Hum aapse ye janna chahenge ki Pacific Institute of Hotel Management mein jo chhatr pravesh lena chahe uske liye kya tarika hai. Dhanbar sir, bahut acha sawal pucha hai aapne, aur yahi zaruri hota hai kisi sanstha mein adhyayanrat hone ke liye aapki kaise entry honi hai. Sabse pehle uske jo niyam kanun hai unko janna bahut zaruri hota hai. तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे यहाँ द कोर्सेज विच वी आर प्रोवाइडिंग टू गेट द एंट्री फॉर देम, देर इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 12th पास आउट मिनिमम. द कोर्सेज विच वी आर रनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रनिंग TDHM. TDHM इज ट्रेड डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट. एज आई टेल यू दैट there are 4 core departments in the hotel industry: housekeeping, front office, food and beverage services, food and food production. So those who are interested to get an entry for TDHM, they can get the specialization only for one of these department in one year. The eligibility which is required from the candidate is 12th pass. So this is number one course which we are running here. Second one is BSc HM. This is a bachelor degree. And why do we call this BSc? BSc is called because we have added the food science matter in this degree. All right, the eligibility which is required from the candidate, that is 12 passed only. This is 3 years degree. This is annual degree. We do not have the semester systems here. All right. And after that, we have another degree, that is a master degree, MTHM, Master of Tourism and Hotel Management. This is for 2 years. This is a semester system degree. Okay. The eligibility which is required from the candidate is a bachelor in any stream. Okay. And all courses, the eligibility which is required from the candidate, there should be 12th from any stream. Either the candidate should be maybe from arts, commerce and science. We are Pacific Institute of Hotel Management ke director Shri Vinod Kumar Singh Bhadauria sahab hamare saath hain. Bhadauria sahab, aap ye bataye ki jo chhatra hotel management mein BSc kar rahe hain, unhe kaun kaun se vishay padhaye jate hain, aur ab tak BSc hotel management जिन छात्रों ने किया है उनकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं, कहाँ कहाँ वो प्लेस्ड हैं? थैंक यू वेरी मच सर. ये भी बहुत अच्छा सवाल किया है सर आपने. मैं आपको बता दूं कि जैसा कि अभी अभी मैंने मेंशन किया था कि हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, यानी कि एक होटल्स में 4 मेजर डिपार्टमेंट होते हैं जिनका कि मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा रोल प्ले इन्हीं 4 डिपार्टमेंट का होता है, जिसमें कि पहला हाउसकीपिंग, दूसरा फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, तीसरा फूड प्रोडक्शन और चौथा फ्रंट ऑफिस. ये 4 तो हैं ही हैं, ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे. दीज आर द कोर डिपार्टमेंट्स, दे प्ले अ मेजर रोल इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. अपार्ट फ्रॉम दीज 4 सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट विच आर बींग टॉट हेयर are computer science,
French language, management behavior, and English communication skills, जिसको हम PDCS बोलते हैं, personality development and communication skills, etc. Pacific Institute of Hotel Management के छात्रों के लिए management के द्वारा कई world class infrastructure उपलब्ध कराए गए हैं. भदौरिया साहब, आप इस पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में कई वर्षों से कार्यरत हैं, कई सेलिब्रिटीज़ ने यहाँ विजिट किया. आप बताएं कि इस वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो भी सेलिब्रिटीज़ यहाँ आए, उन्होंने किस तरह प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर कि हमारे यहाँ जिसने भी ये हमारा होटल मैनेजमेंट विजिट किया हुआ है या जो हमारा ये कॉलेज देख के गए हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जब भी कभी हमें ऐसा लगता है कि फलाना बंदा यहाँ उदयपुर घूमने आया हुआ है या हमारी इंडस्ट्री से उसका कोई रिश्ता है, तो हम भरसक ये प्रयास करते हैं कि हम अपने छात्रों से रूबरू कराऊं. और ऐसा हमने कई बार कराया है, ठीक है ना. यहाँ अपने संजय कपूर भी आके गए हैं, ठीक है ना, जिन्होंने कि हमारे कॉलेज की इतनी तारीफ करी है, और वो ये कह के गए कि हमने अभी तक क्या नाम, इस तरीके का वेल मेंटेन वेल इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई कॉलेज ही नहीं देखा. और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अभी इसमें कोई दोराहे नहीं है, हमारे पास उनके लिखे हुए उनके कमेंट्स हैं, हमारे पास एक विजिटर बुक है, जो कि जब भी हमारे यहाँ कोई सेलिब्रिटी आता है, जब भी कोई हमारे यहाँ हमारे इस टूरिज्म इंडस्ट्री से और होटल इंडस्ट्री से जब भी कोई बहुत बड़ा आदमी आता है, तो हम उनके कमेंट्स भी लेते हैं. तो हमारे पास इन कमेंट्स में आप यही पढ़ेंगे कि दिस कॉलेज इज रियली नॉन नंबर वन इन इंडिया, बिकॉज सी द लैब्स, जो भी जिस तरीके की आधुनिक तकनीकी से परिपूर्ण जो प्रयोगशालाएं जिस तरीके की होनी चाहिए, वो आज हमारे पास है. इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने भी कहीं नहीं देखा. मैं ये कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ कि मैं IHM औरंगाबाद में भी रह के आया, वहाँ भी मैं काम करके आया. ये सुविधाएं जो बच्चों के लिए हमारे यहाँ हमने प्रदान की हुई हैं, ये हकीकत में कहीं मिलती नहीं. जो भी आ जाता है वो एकदम डिलाइट हो जाता है कि वाह क्या है, इंस्टीट्यूट है. और जो कि मैं इसका पूरा श्रेय देना चाहता हूँ हमारे राहुल सर अग्रवाल साहब का, कि जब भी हमने कभी भी कोई नई तकनीकी आधुनिक तकनीकी का कोई भी हम इक्विपमेंट्स लाना चाहते हों, कभी हमने उनको सजेस्ट किया हो, कभी लाने के लिए उनको रिक्वेस्ट किया हो, तो उन्होंने कभी नहीं मना किया. हमेशा बेझिझक ये किया, भदौरिया साहब आप तो प्लीज़ लीजिए इसको, और बच्चों के हित में अगर आ रही है तो इसको ज़रूर लीजिए और इसको आप काम में लीजिए. वो कभी डिले नहीं करता, हमेशा करते हैं, हमेशा यही बोलते हैं कि नहीं आप तो परचेज ऑर्डर बनवाइए और मंगवाइए. तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि हम इतने अच्छे संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, इतने अच्छे संस्था के मालिक के साथ जुड़े हुए हैं, कि हमें इसको बढ़ाने में और यहाँ अच्छा काम करने में बहुत आनंद आता है. और मैं तो अपने आप को लकी समझता हूँ कि आई फील प्राउड ऑफ बींग ए पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन. परों को खोल जमाना उड़ान देखता है. पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कीर्तिमान हैं. आइए इन कीर्तिमानों के बारे में जानें डायरेक्टर पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्री विनोद कुमार सिंह भदौरिया साहब से. बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है हमसे. मैं आपको बता दूं कि आज मैं जो हमारा जो फर्स्ट बैच पास आउट हुआ था, इफ़ आई टॉक फ्रॉम देयर, तो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय रोजगार जो बच्चों को मिलना शुरू हुआ था वो फर्स्ट बैच से ही मिला था. फर्स्ट बैच जब हमारा पास आउट हुआ था उसमें से अबाउट मोर देन 70% स्टूडेंट्स वर प्लेस फॉर दी इंटरनेशनल प्लेसमेंट एंड दे आर स्टिल वर्किंग देयर एंड दिस इज हैपनिंग टिल टुडे. हमने एक कमिटमेंट किया हुआ एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वी कमिट दिस टू देयर पेरेंट्स दैट डू नॉट वरी अबाउट द प्लेसमेंट, जॉब प्लेसमेंट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और आज जब हम इनके बच्चों के पेरेंट्स से, बच्चों के गार्जियन से जब हम इस तरीके की बात सुनते हैं, जब वो हमें अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू वेरी मच सर, आपके इस विद्यालय के आपके इंस्टीट्यूट के माध्यम से हमारे बच्चे को जो कामयाबी मिली है
उसका श्रेय मैं आपको देता हूँ। मैं कहता हूँ नो सर, ये श्रेय मुझे नहीं चाहिए, ये श्रेय केवल आपको और आपके बच्चे को जाते हैं, क्योंकि आपके आपने बच्चे को संस्कार दिए और आपके दिए हुए संस्कार के आधार पर बच्चे ने मेहनत करी। हाँ, इतना जरूर है कि ये सब हमारी टीम का कंट्रीब्यूशन है, ये हमारे सब टीम के में जो भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो भी हमारे स्टाफ हैं, ये सब उनके नतीजे हैं और उनके ही कारण हम प्लेसमेंट में इतने आगे हैं कि मोर देन 70% वी आर प्लेसिंग अवर स्टूडेंट इन अब्रॉड। और यहाँ जो प्लेस कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन कंपनियों में ही कर रहे हैं, केवल ताज, ओबराय और लीला जैसी प्रॉपर्टीज़ में हम लोग बच्चों को प्लेसमेंट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अप्रिशिएबल है। हमें अप्रिसिएशन मिलते रहते हैं हर जगह जगह से। सुबह घर से निकला, शाम को फिर बच्चा लौटेगा, बाप की कितनी छोटी ख्वाहिश, बच्चा मेरा नाम करेगा। पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के कई क्षेत्रों में कीर्तिमान हैं, हम इसके लिए बधाई प्रेषित करते हैं। भदौरिया साहब, आप होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, आपको और आपकी फैकल्टी को हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि बीएससी होटल मैनेजमेंट करने वाले जिन विद्यार्थियों के लिए आपने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाया है, आपने बेहतरीन फैकल्टी को उपलब्ध कराया, फैकल्टी के बारे में हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। हमारे साथ में हमारे साथी हैं जो कि जिनका नाम है श्री नोएल विश्वास जी, एंड ही इज़ द फैकल्टी ऑफ फूड एंड बेवरेज सर्विस, एंड मिस्टर नोएल विश्वास हैज़ बीन वर्किंग हियर फ्रॉम लास्ट 3 years। ही इज़ ए वेरी गुड टीचर, ही गिव्स 100% रिजल्ट टू द स्टूडेंट्स, एंड आई बिलीव दैट ही इज़ डूइंग ए ग्रेट जॉब हियर। आप हैं श्री जेकब जॉन और आप जो है हमारे संस्था के वाइस प्रिंसिपल हैं और आप फूड प्रोडक्शन पढ़ाते हैं, और जिस तरीके से मैं बच्चों से फीडबैक लेता हूं और जो आपके बारे में मुझे फीडबैक मिलता है कि सर का जो अंदाज़, जो स्टाइल, जो मेथोडोलॉजी, जो जो तौर तरीके हैं उनके बारे में जो मुझे आपसे आपके बारे में फीडबैक मिलता है, रियली दैट इज़ वेरी वेरी अप्रिशिएबल। And Jacob sir, I will be expecting the same thing from you at all the time, sir. Thank you. मंजिलें खुद ब खुद बढ़ के छू लेती है कदम, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। BSc होटल मैनेजमेंट करने वाले विद्यार्थियों को बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। हमारे साथ हैं श्री जैकब जॉन साहब। जॉन साहब नमस्कार। नमस्कार सर। जॉन साहब, आप BSc के विद्यार्थियों को फूड प्रोडक्शन पढ़ाते हैं, आप बताएं कि फूड प्रोडक्शन के स्ट्रीम में जो छात्र पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में अध्ययनरत हैं, पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के फूड प्रोडक्शन के छात्रों को आप क्या पढ़ाते हैं और ये पढ़ाई उन्हें अपने भविष्य में किस तरह सहारा देती है, और अब तक फूड प्रोडक्शन के छात्रों की क्या उपलब्धियाँ रही हैं? माय नेम इज जेकब जॉन। I have been teaching the students of BSc HM Hotel Management plus TDHM Hotel Management at Pacific Institute of Hotel Management for last 4 years. Well, telling about this Hotel Management Institute, it is having one of the best infrastructure hotel management which has been given at Udaipur. Basically, I have gone through many hotel management college in all over the Indian region and found one of the best and exciting college, that is Pacific Institute of Hotel Management in Udaipur. Well, before coming to this hotel, I have been working with Taj Lake Palace, the Oberoi's Udaivilas, and I have worked abroad in Cayman Island for about 3 years. After I came to this college, I was being called upon by the registrar here. He approached me, he wanted me to come upon and share my ideas and views with the children out here and my experience along with them. I'm teaching the students here. Well, basically we are continuing our syllabus with the student in the form of two criteria. One is practical and one is theoretical basis. Theoretically, all the faculty members who have been assigned the food production department are one of the best faculties experience wise, as well as they have come from various backgrounds, good hotels, and that's one of the best thing which is there in this hotel management college.
in Udaipur. The teaching pedagogy out here is one of the best, I think, because we are sharing our experience with those students which are here. Basically, we teach them whatever experience we have gained through all these years. Like, we have been working, all the faculties who are teaching food production have been working here for last 15 to 20 years in different hotels. And this is one of the best thing which the students here are able to have from us. Because if you see in many hotel management college in India, you won't find faculties as experienced as here. Because the faculties who have been working here are basically having hands-on experience that counts a lot in teaching all the students out here. The students are from various background out here. So they come from all over India, from different parts, different regions of India. Basically, our main motto is to teach and educate them in a fine and well-educated manner. For that, we give them various trainings. We share a lot of experience with them. Our basic practical sessions are one of the best considered, because we import a lot of food materials from abroad. Plus, we try to give all the students a hotel environment, because they are going to be placed in hotels very soon once they complete their course out here with us. So we basically want them that they get an environment wherein they are being taught about all this hotel management recipes and food things, which basically they would have to go and start over in the coming years. Basically, the students out here are being given hands-on experience by the faculty members, and that's what counts a lot with these students. And many of the students who approaches us after completing their hotel management courses have been placed in various organization, not only in India but abroad also. And we find it a very touching moment when speaking to the students. We find it a pride by telling that these students who have done their hotel management are from Pacific Institute of Hotel Management. Many of the students who are working with us right now, who are working with the organizations, in various organizations all over, are placed nicely. They are working with some of reputed companies abroad as well as in India, starting with the Oberoi's, the Taj, the Leela's, the Sheraton's, the Marriott's, and various hotels. Plus, we have students who have been placed abroad also, who are working with Marriott's and as well as some of the Leela properties also they are working with. It's a privilege to have all those students connected with us, and it's a privilege that these students came and we are the faculties who have taught them. And that's one of the best part we take pride of in this hotel management college. Thank you. Basically, we are having three kitchens out here. The first one is basic training kitchen. The basic training kitchen is a kitchen where students from first year are being taught about the basic about food production. In the second year, when they are coming, they are going to the bulk kitchen, wherein they are being taught about the catering industry, wherein they have to cater for around 1,000 to 2,000 people. And in the third year, they are being specialized into advanced training kitchen, wherein they are being taught about the various multi-cuisines food served all over the world. We are having one of the best bakery and confectionery section also, wherein we are having chefs who are teaching the students about the bakery and confectionery part, which is being taught separately in all together in all the hotel management colleges. Basically, the teachers who are the faculty members who teach them are one and the same. But here we have the privilege of having one of the best faculty members from Taj. He is working with us. He is sharing his ideas and views with us for last 3 years. And we are having one of the best infrastructure in terms of all the equipments which we are having. If you do visit, if you can visit
the hotel management college, you will see that we are having one of the best equipment list and in the college itself, which you will find in the big 5-star hotels, starting from dove sheeter machines to ovens to mixing doughs to chapati making machines, defreezers, walk-ins, and everything are being put upon and assembled here in Hotel Management College, wherein we give the students a brief knowledge, a good knowledge about the hotels which they are going to go into. And that's what is the biggest plus point for this Hotel Management College, is the infrastructure which has been provided to the students out here. Hotel management कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही golden opportunities है. आज हम Pacific Institute of Hotel Management के बारे में चर्चा कर रहे हैं. हमारे साथ हैं Noel Biswas साहब. Noel Biswas साहब F&B सर्विस के विषय को पढ़ाते हैं. Biswas साहब, आप ये बताएं कि जो छात्र F&B सर्विस में अध्ययनरत हैं, उन्हें किस तरह आप एजुकेट कर रहे हैं, और F&B सर्विस के स्टूडेंट्स की अब तक क्या अचीवमेंट्स रही हैं? Hi viewers, my name is Noel Wallace Biswas. I am an assistant professor in Pacific Institute of Hotel Management. I have an industrial exposure of all the almost 5-star hotels of Udaipur and in India as well, starting from Taj Lake Palace, the Oberoi's Udai Vilas, the Oberoi's Wildflower Hall Shimla, and the Trident Oberoi Udaipur. We'll talk about the students' infrastructure facilities which we have in the college. I would like to tell you that we have two practical labs of F&B service, two restaurants. One is basic training restaurant and one is advanced training restaurant. In basic training restaurant, we teach about the basic service etiquettes, the basic service standards to the students, which will make them perform better in the hotel industry and to make them ensure about the identification of the equipments which are available in the hotel. In advanced training restaurant, we teach them about the F&B management, all the interdepartmental relationship of F&B department with other departments, the bar management, the cocktail, mocktails, and all the technical things which they have to deal with when they'll become a manager. About the exposure of the students, as our director has said, that they have served Mr. on Amitabh Bachchan's birthday in Mumbai. They have went for outdoor catering on Mr. Ambani's house warming, and all such events they have been able to serve. I would like to give a suggestion to all the 12th pass students that they should join a hotel management course for their bachelor's degree, because it's an booming industry. In hospitality industry, every day a new hotel, every day a new restaurant will open. As the population will increase, the business will increase, and there is no such type of recession in this industry. They have a very good future, a great opportunity in future if they will join Hotel Management College. And if they have any doubt, they can visit our college. They can see our infrastructure, our modern art of state infrastructure. And they can visit other colleges also, and they can compare our facilities with them. They will definitely be convinced with the facilities which we are providing, and they will definitely end up by joining our college, our courses, BSc in Hotel Management. Okay. In the last but not the least, I would like to thank our management for providing us such a nice facility, such an latest and technical equipped labs, which through which we can make our students skilled and make them stand in international market, and we can definitely become number one hotel management college in the future coming time. And thanks a lot to the Pacific University. Thank you. Pacific Hotel Management ki faculty kai kshetron mein khyat naam hai. Desh videsh mein Pacific Institute of Hotel Management ke chhatr karyarat hain. पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से डिग्री करने वालों का भविष्य बहुत ही उज्जवल है. हमारे साथ हैं श्री प्रतिपाल सिंह, जो कि पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में लेक्चरर हैं. प्रतिपाल सिंह साहब हाउसकीपिंग देखते हैं. प्रतिपाल सिंह साहब, आप ये बताएं कि जो छात्र BSc होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, हाउसकीपिंग के क्षेत्र में क्या कुछ आप उन्हें एजुकेट करते हैं, और जो छात्र
होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे होते हैं, हाउसकीपिंग उनके उज्जवल भविष्य में किस तरह सहायक है? हेलो व्यूवर्स, आई एम पृथ्वीपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हाउसकीपिंग इन पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट. आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट 3 years एंड टेकिंग केयर ऑफ हाउसकीपिंग. As we know, housekeeping is the backbone of any organization. Housekeeping is a department which is responsible for cleaning, maintenance and interior decoration of the hotel. And as we know, no 5-star hotels or any organization can grow without the work of housekeeping. Because housekeeping is a 24/7/365 days operation. And in our Pacific Institute of Hotel Management, we have a guest room, training guest room for the students. There they can learn the various aspects of room cleaning procedures like bed making, bathroom cleaning, dusting, vacuuming. Apart from this, we have a house, separate housekeeping lab in which we have a separate laundry section, linen room section and an equipment store. Apart from this, we have all kind of cleaning manual plus mechanical equipments. Mechanical equipments like we have a floor scrubber machine, dry vacuum cleaner, wet and dry vacuum cleaner, floor scrubbing machines, carpet shampooing machine as well as jet cleaner. In which that student, these all machines are used in five-star hotels to cleaning the various areas in which so that a student can easily learn how to operate the machine, how to take annual maintenance contract of the machines. And in apart from this, we always teach, we use TASKI chemicals in our organization to do while doing the cleaning, so that these all the chemicals and equipments the students are, when they go for a job or for training, they can easily identify these kind of equipments and chemicals over there and they can use them, because in the beginning only they can they already learned about these chemicals and equipments. And housekeeping is always we can say it's a backbone for any organization, and it is taking care of cleaning. Housekeeping is not only about cleaning, it always taking care of maintenance as well as aesthetic upkeep of entire hotel. And in this our syllabus of 3 years of BSc HM course, we categorize housekeeping into 3 categories. In first year, students come to know about the basic equipments and chemicals. In second year, he or she get exposure of all the supervisor work, and in final year syllabus they get the exposure of all the managerial works, how to make budget in housekeeping, how to handle the laundry, how to make department, how to organize department, how to run a department. So this is all about housekeeping. Thank you. The services which we are providing in our institute is we provide a one-time lunch to all our students. Apart from this, we provide all the kind of uniforms plus practical kit to our student with no extra cost or fees. And regarding our placement, our college placement, we already place around 60 students to the Dubai. They are working in Dubai in different category of hotels like Sheraton, Flora, Intercontinental. And in India also, our students are always, they all are working in different kind of hotels like Leela, Sheraton, Taj, Hyatt, Marriott, Intercontinental. So there is a very good good bright future for the hotel management students, those who are doing their hotel management from Pacific Institute of Hotel Management. And apart from this, I thankful to my management. They always give freedom to work myself and organize the team in a better view. And thank you so much. वर्ल्ड क्लास प्लेसमेंट और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ख्यातनाम है पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट. हमारे साथ हैं संगीता धर. संगीता धर विद्यार्थियों को फूड प्रोडक्शन पढ़ाती हैं. संगीता जी, आप बताएं कि फूड प्रोडक्शन का ये विषय छात्रों के उज्जवल भविष्य में किस तरह हेल्पफुल है. मिसेस संगीता धर. नमस्कार, मैं संगीता धर पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, और मेरा कोर एरिया है फूड प्रोडक्शन, और उसमें भी क्वांटिटी फूड किचन को मैं हैंडल करती हूँ. पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में 3 तरह के किचन हैं हमारे यहाँ, और सारे के सारे तीनों के तीनों किचन जो हैं वो वेल इक्विप्ड हैं. एक पहला किचन है बेसिक ट्रेनिंग किचन,
जो कि बेसिक ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, उसमें जब बच्चा फ्रेशर आता है तो उसको बताते हैं कटिंग चॉपिंग वगैरह के बारे में, वेजिटेबल कट्स के बारे में, हाइजीन के बारे में और अलग अलग मेथड्स ऑफ कुकिंग के बारे में और अलग अलग डिशेस की प्रिपेरेशंस उनको कैसे की जाए। फिर आता है क्वांटिटी फूड किचन, जो कि मैं हैंडल करती हूँ। क्वांटिटी फूड में हम लोग 50 से लेके 100 से लेके 1000 तक के लोगों को कैसे हमको केटर करना है, क्या क्या चीज़ों का हमको ध्यान रखना है और कितना कितना क्वांटिटी उसके लिए रिक्वायर होता है, क्या मीज़ा उसके लिए हमें करना होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग उसमें सिखाते हैं। इसमें हम लोग बच्चे को हाइजीन भी ध्यान में रखने के लिए बोलते हैं, उसके बारे में भी ट्रेन किया जाता है। और क्वांटिटी फूड किचन में हम लोग बच्चे को क्वांटिटी फूड से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स के बारे में नॉलेज देते हैं, जैसे बल्क कुकिंग के इक्विपमेंट्स जो कि हमारे वर्क को सिंप्लीफाई करें, उसके बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ किचन में, मेरी किचन में ही आप देख सकते हैं कि 20-21 बल्क कुकिंग के इक्विपमेंट्स हैं, जो कि एक होटल में भी पूरे के पूरे नहीं होते हैं, जो कि एक 5-स्टार में भी बहुत मुश्किल से है। लेकिन हमारा पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में हम लोगों ने किचन को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि यहाँ पे हमने सारे इक्विपमेंट्स को अवेल करवाया है बच्चों को उनकी फैसिलिटी के लिए, ताकि वो लोग उसके बारे में जानकारी ले सकें और उनके बारे में वो लोग अच्छे से उसकी फंक्शनिंग, केयर एंड मेंटेनेंस के बारे में जानकारी लें और उसको यूज़ करें। और तीसरा हमारा क्वांटिटी फूड के बाद आता है ATR, एडवांस ट्रेनिंग किचन। इसमें बच्चे को हम लोग इंटरनेशनल कुजींस के बारे में बताते हैं और वहाँ पे भी सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि इसमें भी बच्चे यूज़ करते हैं, जैसे चाइनीज़ रेंज है, पास्ता मेकिंग मशीन्स हैं और इस तरह से सैलेमेंडर और बहुत सारे कॉन्टिनेंटल इक्विपमेंट्स हैं जो कि बच्चे यूज़ करते हैं। और मिकोस के बारे में मैं बताऊंगी कि बल्क कुकिंग क्वांटिटी फूड कुजीन में हम लोग जो कवर करते हैं सिलेबस, वो है कि क्वांटिटी फूड के साथ साथ हम लोग रीजनल कुजींस को भी लेते हैं, हमारी जो भारत की रीजनल कुजींस है उसके बारे में जानकारी देते हैं। हमारे भारत में विशेषकर बहुत सारी रीजनल कुजींस है जो कि बच्चे को अलग अलग विशेष खानों के बारे में बताया जाता है, कोर्स मेन्यू सिखाया जाता है, इसमें फूड कॉस्ट निकालना बताया जाता है, मेन्यू प्लानिंग कैसे की जाती है उसके बारे में बताया जाता है, कमर्शियल किचन के बारे में बताया जाता है, इंडस्ट्रियल किचन के बारे में बताया जाता है। ये सारे जो चीज़ें हैं वो सिलेबस में हम लोग कवर करते हैं और जब तक बच्चा यहाँ से 3 साल का कोर्स करके जाता है तब तक उसको बहुत नॉलेज हो जाती है। और ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे पैसिफिक इंस्टीट्यूट में सीखता है। और क्योंकि एक और फ़ायदा है यहाँ पे कि सारे जो फैकल्टीज़ हैं हमारे, जो कि प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स और एसोसिएट्स हैं, वो सारे एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं, टीचिंग के साथ साथ उनको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है। तो ये एक बेनिफिट बच्चों को मिलता है कि टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ उन लोगों को इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस वाले फैकल्टी के साथ काम करने का मौका मिलता है, लर्न करने का मौका मिलता है। हमारा एक और डिपार्टमेंट है बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, जिसमें बेकिंग के बारे में सिखाया जाता है, बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, बेकरी के इक्विपमेंट्स हैं उसके बारे में भी बताया जाता है। बेकिंग में ब्रेड मेकिंग, कुकीज़, डो, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है, पेस्ट्री मेकिंग, चॉकलेट मेकिंग और इस तरह से बहुत सारे अलग अलग तरह के डेजर्ट्स बनाना सिखाया जाता है। पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के बहुत सारे साइलेंट फीचर्स हैं जो कि हमारे कॉलेज ही उनको प्रोवाइड करता है, जो फैसिलिटी हमारे यहीं सबसे ज़्यादा आप देखेंगे, बाकी इंस्टीट्यूट को कंपेयर कर रहे हैं तो जो हमारे यहाँ जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पहला तो वो है, ये है कि हम सेपरेट बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। दूसरा, हम लोग यहाँ पे उनकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे रखी है, हम लोगों ने बस का प्रोविज़न दे रखा है, 1 टाइम लंच दे रखा है उन लोगों को, हमने लाइब्रेरी की फैसिलिटी दे रखी है। लाइब्रेरी की फैसिलिटी नहीं, उसमें बुक्स भी आप देखेंगे तो बहुत ही उनके काम की बुक्स हैं, उनके सिलेबस से रिलेटेड बुक्स हैं और बढ़िया बढ़िया ऑथर्स की बुक्स हैं इसमें। फिर यहाँ पे एक सेमिनार हॉल है जो कि उन लोगों के, जिसकी कैपेसिटी मोर देन 300
स्टूडेंट कैपेसिटी है जिसमें अलग अलग बच्चे लोग उसमें अपना कुछ कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, गेस्ट लेक्चर्स वगैरह यहाँ पे होते हैं, प्लस यहाँ पे बच्चों के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल की फैकल्टीज़ को हम लोग बुलाते हैं, जो कि बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डेवलप करने के लिए वर्क करती हैं। प्लस हमारे यहाँ पे एक प्रगति मैगज़ीन चलती है जो कि बच्चों की एक्टिविटीज़ को हाईलाइट करती है, जिसमें बच्चे लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ अराउंड द ईयर जो करते रहते हैं वो उस एक्टिविटीज़ को डाला जाता है। और ये जो प्रगति है वो बच्चे ही उसको एडिटोरियल बोर्ड में बच्चे इंक्लूडेड हैं, वही उसके लिए वर्क करते हैं, वही उनके लिए पिक्चर्स वगैरह लेके उसको डिज़ाइन करते हैं। तो बेसिकली ये बच्चों के लिए ही मैगज़ीन है और बच्चों के द्वारा ही मैगज़ीन है। फिर हमारे यहाँ एक हमारा जर्नल निकलता है, बाय एनुअल जर्नल, जिसमें फैकल्टीज़ अपने रिसर्च पेपर्स डालती हैं। दूसरे इंस्टीट्यूट से भी मंगाए जाते हैं जर्नल्स, जो क्योंकि यहाँ पे अपने अपने आर्टिकल्स देते हैं। तो इस तरह से ये सारी फैसिलिटीज़ जो कि हमारा कॉलेज प्रोवाइड करता है और आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करता है बच्चों को और फैकल्टीज़ को भी। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है पैसिफिक इंस्टीट्यूट में हम लोगों को जो मिलती है। 10+2 के बॉयज़ और गर्ल्स स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूँगी कि वो लोग हमारे इंस्टीट्यूट में आएँ और हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको देखें, और देखने के साथ उनको खुद को पता चलेगा कि जो बातें हमने बोली है वो सारी बातें हमारे इंस्टीट्यूट में हैं। और हम चाहते हैं कि वो देखने के बाद जज करें कि जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और वो खुद देख सकते हैं कि यदि इसमें एडमिशन लेंगे, यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, तो उनका जो करियर है, जो उनका भविष्य है, वो बहुत उज्जवल है। और विशेषकर गर्ल्स के लिए तो मैं ये बोलूँगी, ये अनुरोध करूँगी गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए कि उन लोगों को तो इस फील्ड में आना ही चाहिए, क्योंकि उन लोगों के लिए तो ये फील्ड बहुत ब्राइट है और प्रोफेशनली वो लोग अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर सकती हैं, बहुत इस फील्ड में आगे करियर को बिल्डअप कर सकती हैं। धन्यवाद। पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में कई छात्र देश के कई राज्यों से अध्ययनरत हैं, उनमें से एक राज्य हैं जम्मू कश्मीर के, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो सर। हाँ भाई, अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम विशाल माथुर है और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। आप बताएं कि आपको होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के इस मैं एडमिशन लेने के लिए कैसे जानकारी मिली और किस तरह आप यहाँ पहुँचे? सर, मैं जम्मू से हूँ और मैं जहाँ स्कॉलरशिप पे आया हूँ, और सर ये कॉलेज मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इस कॉलेज में सर बहुत फैसिलिटी हैं, और हमारे जो सीनियर्स हैं सर वो उनकी जॉब प्लेसमेंट अच्छी हुई, और सर वो उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड में भेजा गया, और सर ये एक अपना फ्यूचर बनाने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और सर मैं अपने जितने भी हमारे जूनियर मेरे फ्रेंड्स हैं उनको मैं बोलूँगा कि पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। मैं जम्मू दे अपने सारे भैने भ्राएं की यह विनती करना कि इत्थे आन राजस्थान च ते अपना पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट च एडमिशन लैन ते अपना फ्यूचर ब्राइट करन। ये सारे कोला अच्छा तरीका है होटल इंडस्ट्री च अपना फ्यूचर अपना कैरियर बनाने का। और मेरी सारे मेरे फ्रेंड अगे मेरे भैने भ्राएं के सारे अगे इ'यै विनती है कि HM च एडमिशन लिया ते अपना फ्यूचर ब्राइट करन। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं जम्मू से हूँ। जेड़े मेरे भैन भ्रा मी सुना दे ने जां दिखा दे ने, मेरी उंदे अगे इ'यै विनती है कि सारे इत्थे पैसिफिक यूनिवर्सिटी च HM च एडमिशन लैन ते अपना फ्यूचर सफल बनान, क्योंकि एह अच्छा मौका है कि अस अब्रॉड जाइए ते इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने आ, और सानू अब्रॉड बारे जानने का भी एक सही मौका है। ते जेड़े मी सुना दे ने जेड़े मेरे भैन भ्रा, मैं उन्हें इ'यै विनती करना कि
होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करो क्योंकि इस मौके काफ़ी ज़्यादा होटल खोला देना ते फाइव स्टार होटल च भी एच एम का बड़ा स्कोप है ज़्यादा इस मौके। मैं पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का सेकेंड ईयर का छात्र हूँ और मुझे कॉलेज बहुत ही पसंद आया और जहाँ का स्टाफ भी बहुत हाईली एजुकेटेड है और वो फाइव स्टार होटल से एक्सपीरियंसड है और पढ़ाते भी बहुत अच्छा है। वो हमें PPT से भी पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल भी करवाते हैं और लेक्चर से भी पढ़ाते हैं और जहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है और जहाँ का खाना भी अच्छा है। थैंक यू। मेरा नाम गिरधारी है तो मैं जम्मू का रहना तो मेरा ग्रां नाम खोजपुर है जो कि जहाँ तहसील बिशनाह पौंदा है। तो मैं पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट करने इतने आया उदयपुर च ते मैं BSc HM सैकंड ईयर का स्टूडेंट हाँ। तो मतलब कि जो साड़ा कॉलेज है पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एक बड़ा अच्छा कॉलेज है तो जो अहें जम्मू इतने स्कॉलरशिप बेस पर आए हैं तो ये जरा मेरे अगला बैच आने वाला है मैं उनके अपने साथियों की दोस्तों की इे आखना चाहना कि नैक्सट ईयर भी मैं सूँ ना स्कॉलरशिप मिलने आ रही है तो प्लीज़ उस अपना फॉर्म जरा सबमिट कर इतने अपने PSC इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट उदयपुर आन तो अपना मतलब कि एडमिशन लैन इतने तो अपना कैरियर जरा वो अच्छा बना। जे गल मेरे भैन भरा मैं आखना चाहना कि जो साढ़े इतने छात्र ने जे मतलब कि फाइनल कर चुके हैं वो इस मौके IT करने तक फॉरन गए हैं जिंक मतलब कि मलेशिया हुई है दुबई हुई है तो और साढ़े इंडिया भी बहुत ज़्यादा करा दे जिंक मतलब कि अपना ताज होटल होइए ओवरा होटल होइए लीला मतलब कि इंटरनेशनल जी मतलब कि वो न ते मेरे भ्रा अपने भैन भ्रा इे बेनती है कि वो इतने आन अपना फॉर्म सबमिट कर स्कॉलरशिप बेस पर ते अपनी मतलब कि अपना पैर पर खड़े होन ते अपने माँ प्यो का नाम रोशन कर ते और इस कॉलेज का पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कॉलेज का अपना इंदा भी नाम रोशन कर और जो साढ़े फैकल्टी मैंबर है इंदा भी नाम रोशन कर क्योंकि ये सानू बड़ा अच्छा मतलब कि पढ़ाते हैं वैल एजुकेटेड ने ते मेरी मेरे भैन भ्रा इे बेनती है कि वो आन तो फॉर्म सबमिट कर ते और अपना फ्यूचर ब्राइट बनाओ। थैंक यू। व्यूअर्स, इस समय हम पैसिफिक होटल मैनेजमेंट के कन्फेक्शनरी और बेकरी सेक्शन में हैं। कन्फेक्शनरी और बेकरी पढ़ाने का काम करते हैं लेक्चरर MM गुप्ता साहब। गुप्ता साहब, आज आपने इन विद्यार्थियों को जो कन्फेक्शनरी और बेकरी से रिलेटेड आइटम्स हैं जो सिखाए हैं उनके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। सर, एक तो हमने चॉकलेट बार बनवाना सिखाया घर, जो कि स्टूडेंट घर पे जाके आराम से बना सकते हैं, और एक चॉकलेट एक्लेयर बनाना सिखाया हम लोगों ने, एक एगलेस चॉकलेट मूज बनाना सिखाया कि आप घर में जिनके घर में अंडा यूज नहीं होता वहाँ पे चॉकलेट मूज किस तरह से बनाया जाए, और हमने इसको 4-5 विधि द्वारा बताया है, और एक हमने चॉकलेट प्रॉफिट रोल बताया है। तो इनको सारी चीज़ें बताई जाती है कि भाई बेकिंग किस तरह से आपको करनी है, ओवन का टेम्परेचर कैसे सेट करना होता है, किस तरह आपको रेसिपी लेनी है, किसी चीज़ की कमी से क्या चीज़ आपकी बिगड़ जाएगी, सारी चीज़ उनको विस्तार से बताई जाती है और हर एक चीज़ को सिखाई जाती है। जैसा कि सभी जानते हैं कि इंसान पहले खाने को आंखों से खाता है, फिर नाक से खाता है, फिर मुंह से खाता है, तो खाने के अंदर आई अपील होना बहुत ज़रूरी है। तो बेकरी के अंदर गार्निश का होना, प्रेजेंटेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोडक्ट कितना ही अच्छा बना दीजिए आप, अगर उसकी गार्निश उसका प्रेजेंटेशन अगर अच्छा नहीं है तो कोई भी नहीं खाएगा उसको, कोई खरीदेगा भी नहीं कभी भी। तो वही चीज़ है, तो वही चीज़ हम इन बच्चों को सिखाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को पूरे को, और हमारे यहाँ पे पूरे इंडिया के विद्यार्थी हमारे यहाँ पे आते हैं जो कि इस कोर्स को करते हैं, और ये कोर्स को करने के बाद देश विदेश में रोज़गार के अच्छे अवसर मिलते हैं। अभी जैसे कि हमारे काफ़ी बच्चे मलेशिया गए हैं जो बेकरी भी सीख के गए हैं, और हमारे स्टूडेंट्स का बेकरी के अंदर बहुत ज़्यादा क्रेज है, जब भी इनको बोलते हैं बेकरी में चीज़ बन रही है तो फटाफट आने को तैयार है, कहीं जा ना जाए पर बेकरी में इनका क्रेज है, बेकरी ये लोग हमेशा करना चाहेंगे तो इनका इंटरेस्ट है। जब भी प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी ये लोग रुके हुए रहते हैं सीखने के लिए, कुछ नया करने का जज्बा होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो फ्यूचर में जाके अपना बिजनेस करना चाहते हैं, या होटल में जॉब करना चाहते हैं, या फिर मिठाइयों की जगह आजकल बेकरी का बहुत कंसेप्ट हो गया। कम से कम स्टूडेंट यहाँ पर सीख के अपने घर पर जाके केक्स, पेस्ट्रीज, सूफले, मूज, पुडिंग्स वगैरह बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इनको करवाते हैं। पैसिफिक होटल मैनेजमेंट के बेकरी में आज हम लोगों ने जो प्रोडक्ट बनवाए हैं
ये हमारे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, हमने इनको चार रेसिपीज बताई है, चार प्रोडक्ट हमने इनसे बनवाए, ये चारों डेजर्ट हैं। और जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये चॉकलेट बार है, तो इसको आप लोग घर में आराम से बना सकते हैं। ये वेजिटेरियन है, इसमें कोई अंडा जेलेटिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी, और विदाउट ओवन आप इसको बना सकते हैं घर पर। तो मैंने इनको तीन चार विधि बताई है, जिस तरीके से इनको बताना है तीनों चारों विधि से ये लोग बना सकते हैं। इसके अंदर हमने डार्क चॉकलेट यूज किया है, और जो केश्यू नट्स होते हैं, जो मतलब काजू होते हैं, काजू को हमने रोस्ट किया है, काजू को बारीक करके हमने इनको बनाना सिखाया है। तो हमने इनको बताया विस्तार से कि चॉकलेट को किस तरह मेल्ट करना है, क्या टेम्परेचर आपको रखना है, और चॉकलेट को अगर आप ढंग से मेल्टिंग करेंगे तो क्या क्या परेशानी उसमें आपको आएंगी। तो ये सारी चीज़ें इनको बताई गई है कि चॉकलेट को कैसे चेक करते हैं कि चॉकलेट गर्म है या ठंडा है, सारी विधि इनको बताई गई है विस्तार से। तो अब हमारे स्टूडेंट्स को आराम से बना सकते हैं। और जैसे कि देख रहे हैं, ये हमने चॉकलेट एक्लेयर्स बनाए हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमने पानी लिया है, बटर लिया है और मैदा लिया है। तो इसका सबसे पहले हमने सूप पेस्ट बनवाया है, और उसके बाद में इसमें धीरे 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 करके वन बाई वन इसके अंदर अंडे को ऐड करते हैं, और उसके बाद जो सूप पेस्ट बन जाता है उसके बाद हम पाइपिंग बैग के अंदर भर के किसी भी नॉन स्टिक ट्रे के अंदर ग्रीस करके हल्का सा फ्लावर डस्ट करके उसको हमने पाइप करके इसको बनवाया है। और इसके अंदर बनाने के बाद जब ये बेक हो जाता है 170 डिग्री पे हमने इसको बेक करवाया है, और बेक करवाने के बाद में जब ये ठंडा हो जाता है उसके बाद में इसको कट किया है सेंटर से, या फिर आप नीचे से भी होल कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर आप कस्टर्ड को ठंडा करके इसके अंदर फिलिंग कर सकते हैं, या रिच क्रीम या फ्रेश क्रीम को आप बीट करके, जो आपका व्हिप्ड क्रीम कहलाता है, उसको भी आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। फिलिंग्स उसकी करने के बाद में ऊपर से हमने इसको डार्क चॉकलेट से ऊपर कोट कर दिया है, ये चॉकलेट हार्ड हो गया है। और इसका गार्निश आप वाइट चॉकलेट या क्रीम जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या पिस्ता को ब्लांच करके उसको फाइन चॉप करके भी आप डाल के इसको बना सकते हैं आप। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये चॉकलेट मूज है, ये चॉकलेट मूज भी बिना विदाउट एग विदाउट जेलेटिन है, जो पूरा वेजिटेरियन है। इसमें से सारे बच्चे घर पे बना सकते हैं, हमने स्टूडेंट को पूरे तरीके से सिखा दिया है कि डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट, या आपको मार्बलिंग इफेक्ट किस तरह से देना है इसके अंदर, तो बच्चों को सारा बता दिया गया इसके बारे में। इसके अंदर हमने डार्क चॉकलेट को मेल्ट किया है, डार्क चॉकलेट के अंदर फ्रेश क्रीम और अपना मिल्क लिया है। उसके बाद में जो ट्रफल सॉस बनाया है उसके अंदर हमने व्हिप्ड क्रीम डाला है और वेनिला एसेंस हमने डाला है। उसके बाद में ग्लासेस के अंदर के भरने के बाद हमने इसको 2 घंटे के लिए हमने चिल्ड कर दिया है, और चिल्ड करने के बाद जब मूज तब अच्छा लगता है जब एकदम चिल्ड हो जाए, चिल्ड होने के बाद उसकी गार्निश करके और आप उसको सर्व कर सकते हैं। जैसा कि आप हमारे स्टूडेंट ने जो भी बनाया है, हमारे स्टूडेंट हर एक चीज़ को इन्होंने बड़ी बारीकी से सीखा है। हमारे स्टूडेंट बड़े प्रयत्नशील होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव प्राप्त कर सकें, ताकि ये अपने परिवार को और समाज के बाकी लोगों को भी सिखाने का या अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का काम कर सकें। आप हमारे स्टूडेंट से किसी भी तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं जो कि आज इन्होंने बनाया है। Hi friends, my name is Sakshi. My native place is Jammu, and I am pursuing BSc HM from PIHM. And this is our bakery chef Murli sir, and they teach us bakery very well, so we can easily make dishes. We are learning here various items of bakery, and which are very helpful for our future. Hi, my name is Jeevan Kumar. मैं जम्मू से हूँ, और इधर मैं उदयपुर में पढ़ता हूँ, पैसिफिक यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। आज ये हमारे बेकरी के शेफ हैं, सर हैं मुरली मनोहर गुप्ता जी। बहुत अच्छे तरीके से हमें ये बेकरी के जो भी मतलब बनाने के लिए जो भी डेजर्ट वगैरह बनाते हैं बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और आज हमने यहाँ पे चॉकलेट मोज बनाया, और ये चॉकलेट प्रॉफिट रोल बनाया, चॉकलेट एक्लेयर्स बनाई, काफ़ी अच्छे तरीके से सीखा हमने। नमस्ते मेरे सारे दोस्त हैं, मैं भी जम्मू कश्मीर तो बिलोंग करता हूँ, और जिन्हें कि मेरे फ्रेंड ने मेरे सर की बड़ी अच्छी तारीफ करती है, तो मैं भी इस कारण इनकी तारीफ करना, क्योंकि इनकी तारीफ जिन्नी की जाए उन्नी घट है। मेरा आखने का मतलब सिर्फ यही है कि इस कॉलेज के मिगी आई है, इं लगता है कि मैं इस कॉलेज नहीं एक मंदिर टाइप है, क्योंकि साढ़े सर सू जो भी सिखाते हैं वो इस तरह सिखाते हैं कि जल अस सीखने तो इं लगता है कि असं घर बैठे कोई चीज़ सिखा रहे हैं। अज उन्हें सू चॉकलेट बार बनाना सिखाया, चॉकलेट इकलेयर सुनाया, चॉकलेट मोसिस और चॉकलेट प्रॉफिट रोल सुनाया, और सानू जो उन्हें सिखाते हैं तो सानू कदे इ फील नहीं होया है कि सानू कुदे अस बाहर सिखा दे। सानू ये हमेशा साढ़े जिन्हें फैमिली के बंदे सानू सिखाते हैं,
इ'यां गै सानूं एह् सखांदे न। मेरे सारे दोस्त इं'दे कन्नै रेहियै इन्ना कुछ सिक्खी चुके न कि कल गी अस इस कॉलेज गी छड्डने आं ते अग्गें जाइयै अस बढ़ी सकचै। और इस सर दी में तह दिल तो इन्ना स्वागत करना और तह दिल का इंदा नमस्कार करना है कि इन्हें अच्छे तरीके कन्नै इन्होंने सानूं सखाया है। इंदा नाम मिस्टर गुप्ता जी हैं जिंदा नाम पूरा नाम है मुरली मनोहर गुप्ता जी, और इंदे कन्नै रेहियै सानूं बड़ी खुशी मिलती है और अस इ'यै कहने कि साढ़े बाद भी जिहड़ा बैच आए वह इंदे चरणों च बैठन और इंदे कोला कुछ ज़्यादा सीखन, इन्ना सीखी सकन कि अग्गे जाइए काम आन। मैं इ'यै आखना चाहना और जय जय भारत जय जम्मू। हाय उदयपुर, मेरा नाम गिरधारी है तो मेरा ग्रां खोईपुर है जो मतलब कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, तो तहसील मेरा बिशनाह है। तो ये साढ़े गुप्ता साहब होर ने जो सानू बड़े अच्छे तरीके कन्ने बेकरी सिखाते हैं, जियां कि जियां अज बनाया चॉकलेट बार हो गया, जियां चॉकलेट माउस हो गया, मतलब कि बड़ा अच्छे तरीके सानू बनाना सिखाते हैं। तो बड़ी मतलब कि बरीकी बरीकी जी चीज़ा ने सानू बड़े अच्छे तरीके कन्ने सिखाते हैं, तो अस भी इसी बड़ा अच्छे तरीके कन्ने सीखने। तो मतलब कि जो साढ़ा प्रोडक्ट है ये सारा उदयपुर तो मतलब कि बड़े अच्छे तरीके कन्ने मतलब कि अच्छे तरीके कन्ने बनाया जाता है साढ़े पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो उदयपुर च है। हाय उदयपुर, अस्सलाम वालेकुम, ऐसे अच्छे त्यौहार के ऐसे चॉकलेट क्लियर चॉकलेट बार यम सारे कहीं ये थे ये हेचन मिलान वारा कह वारा कह हेचन सर कि बो वारा कह हेचन सरन सरन हेचन वारा क्लियर बनाव वारा वारा कह फैसलटी हेचन बनाव, इसलिए वन कि ये वारा कह हेचन। शुक्रिया। हाय उदयपुर, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह मुजावत है, मैं उदयपुर हल्दीघाटी से हूँ। ये हमारे सर एमएस गुप्ता साहब हैं और आज हमारी बेकरी में ये जो डिशे आपके सामने पड़ी है आप देख सकते हैं, ये हमारे सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें सिखाई है और हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आई। और हम सत श्री अकाल, मेरा नाम अमृतपाल सिंह है, मैं उधमपुर तो बिलोंग करता जम्मू कश्मीर तो। मैं इधर उदयपुर पैसिफिक यूनिवर्सिटी उसके अंदर पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है उत्थे अपनी BSc HM सैकेंड ईयर कर रहे हैं। बहुत ही वधिया कॉलेज है, बहुत ही वधिया फैकल्टी है, हर तरीके नाल सानू इत्थे पढ़ाया जा रहा है। इधर सानू किचन के बारे सिखाया जाता है जिते वधिया वधिया आइटम बनानियां सिखाई जांदियां ने, जिदे विच सानू मिठाइयों के बारे बनाना सिखाया जाता है, वधिया वधिया चीज़ां रैसिपियां जिदा चॉकलेट हो गए, जिदा वधिया वधिया पकवान हो गए, हर जगह के पकवान के बारे दस्सिया जाता है, जिदा साडा पंजाब दा क्यूजीन हो गया, पंजाबी किस तरह तरीके का खाना बनता है, कश्मीर किस तरह का खाना बनता है, इत्थे राजस्थान किस तरह का खाना बनता है, उसके बाद साडे साउथ किस तरह का खाना बनता है, हर तरीके का खाना बनाना सानू इत्थे सिखाते हैं। ये साडा एक कोर्स आ गया जिहड़ा साडा किचन च है। उस तो अलावा साडा दूजा कोर्स आता है जिहड़ा साडा फ्रंट ऑफिस आता है, उसके सानू यह दसिया जाता है कि जिहड़े भी साडे होटल में बंदे आते हैं रहने वास्ते वड्डे वड्डे होटल होंगे जिहड़े उन्होंने किस तरह का डील करना है, उन्होंने किदा डील करना है, किदा उन्होंने रूम विखाना है, हर चीज़ दसी जाती है। उस तो अलावा साडा जिहड़ा तीसरा कोर्स आता है उस दे विच हाउसकीपिंग दा आता है, उस दे विच सानू दसिया जाता कि साडे होटल विच जिन्ने भी रूम्स होंदे ने उन्होंने किदा किस तरीके नाल सजाया जाता है, किस तरह नू मतलब कि अच्छे तरीके नाल बना के गैस्ट नू दिता जाता है। उस तो अलावा साडा जिहड़ा लास्ट कोर्स आता है वह साडे इहदे विच आता है फूड एंड बैवरेज का कोर्स, उस दे विच सानू सर्विस दे बारे दसिया जाता है। तो मैं असी इतने जिदा आए हैं उस वड्डी तो वड्डी स्कीम जिहड़ी अनाउंस की गई सी ये साडी सरकार दे सेंटर गवर्नमेंट दे थ्रू की गई सी, इस दे विच की है कि साडे GNK दे जिन्ने बच्चे ने उन्होंने स्पैशल स्कॉलरशिप दी गई है, इस दे विच सारा खर्चा जिहड़ा सरकार चुक रही है और सानू बहुत ज़्यादा खुशी है कि सानू एक कॉलेज मिले पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। मैनू लगता है कि इस तो वधिया कॉलेज कोई हो ही नहीं सकता, जिस तरीके दी इत्थे स्टडी कराई जा रही है बहुत ही वधिया, इसका कोई मुकाबला नहीं स्टडी का। तो मैं और अपने भरावों को भैनों को कहना चाहना कि वध चढ़ के अगले साल की जो स्कॉलरशिप खुलेगी तो इत्थे आओ, इत्थे आके वधिया तरीके नाल पढ़ो, अपना नाम रोशन करो। होर मैं अपने जिन्हें भी पैसिफिक इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट की फैकल्टी का धन्यवाद करदा, क्योंकि जिले मैं इत्थे एडमिशन लैनी थी इस तो पहले मैं कई वड्डे वड्डे होटल मैनेजमेंट के कॉलेज गया, मगर मैनू नहीं लगता कि वो वाले कॉलेज इस कॉलेज के मुकाबले में हैं, क्योंकि साडा जिहड़ा कॉलेज है बहुत ही ज़्यादा वधिया है, इसका कोई मुकाबला नहीं, मैनू लगता है वर्ल्ड क्लास कॉलेज है और वध चढ़ के इस कॉलेज लोगों नू आना चाहिए और अगर अपना भविष्य बैटर बनाना है वड्डे तो वड्डे अगर होटल उन्होंने प्लेसमेंट लैनी है जिदा कि बाहर कनेडा में जाना है, उन्होंने दुबई में जाना है, मलेशिया जाना है, चाइना जाना है, उन्होंने वो वो बच्चों भेज रहे हैं और बहुत ही वधिया इत्थे जिहड़ी है तरीके की पढ़ाई कराई जा रही है।